Click on the subscribe button and press the bell icon for watching more update videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ स्पायरल स्ट्रिप्स, मींस कि जब हमारे पास डीप पाइलिंग जहाँ पे होती है लाइक ब्रिजेस में, तो उसमें जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड की जाती है तो उसकी कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने एक पाइल का, ये आपके सामने फ्रंट एलिवेशन है, इसमें पाइल का जो डाया है वो हमें गिवन है 1500 mm, और हाइट मींस जो पूरी लेंथ है पाइल की वो 20 मीटर या फिर 20,000 mm, ये हमारे पास गिवन है। और ये पी के हमारे पास पिच है 100 mm। पिच हमारे पास क्या है, पिच या फिर स्पेसिंग ऑफ स्पायरल, मींस के स्पायरल के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस हमारे पास होता है उसको पिच कहते हैं, ये हमारे पास 100 है। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब स्मॉल डी जो हमारे पास डाया ऑफ स्पायरल रिंग होता है, ये जो हमारे पास इस तरह के बने होते हैं ये हमारे पास स्पायरल है। स्पायरल किस तरह के, किस शेप के होते हैं, जिस तरह के अब स्प्रिंग की एग्जांपल है, लाइक स्प्रिंग जो होता है वो अगर ये मेन वर्टिकल बार के इर्द गिर्द इस तरह से स्प्रिंग को घुमाओ तो उसको स्पायरल शेप बोलते हैं। तो हमने ये स्पायरल या स्पायरल जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसकी कटिंग लेंथ आज कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास टॉप व्यू है पाइल फाउंडेशन की, टॉप से अगर देखें तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये हमारे पास जो डॉटेड है ये मेन वर्टिकल बार है, ये उसका जो आउटर डाया है पाइल का 1500 mm, और ये जो इनर साइड पे हमारे पास सर्कुलर रिंग है ये हमारे पास स्पायरल है। और हमने ये स्मॉल डी कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा। तो गिवन हमारे पास, गिवन डेटा जो है, सबसे पहले डाया ऑफ पाइल वो 1500 mm है, मींस पूरे पाइल का जो डाया है वो 1500 mm है। लेंथ ऑफ पाइल में h 20,000 mm गिवन है। पिच या फिर स्पेसिंग ऑफ स्पायरल, मींस कि ये जो हमारे पास स्पायरल होती है इसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 100 mm है। और डाया ऑफ स्पायरल बार, हमारे पास ये जो स्पायरल है इसका डाया हमारे पास 12 mm है। कंक्रीट कवर हमें दिया है 40 mm। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल डी, ये डी जो स्मॉल डी है ये कैलकुलेट करना है कि हमारे पास कितना आता है। उसके लिए फार्मूला है डाया ऑफ स्पायरल रिंग, डी इज़ इक्वल टू कैपिटल डी माइनस 2 × क्लियर कवर माइनस डाया ऑफ बार। कैपिटल डी मीन डाया ऑफ पाइल 1500 mm, ये हमारे पास गिवन है। माइनस बोथ साइड का क्लियर कवर माइनस करेंगे, इस साइड से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे और इस साइड से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे। फिर क्या माइनस करना है, माइनस डाया ऑफ बार, हमारे पास डाया ऑफ स्पायरल बार जो है ना वो 12 mm है, तो 6 mm इस साइड से भी माइनस करेंगे, 6 mm इस साइड से भी माइनस करेंगे, तब हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें आ जाएगा। तो माइनस 12 हाफ हाफ करेंगे, मीन्स हाफ इस साइड से भी हाफ इस साइड से, तो हमारे पास फुल डाया बार बनेगा जो कि 12 है। तो इसको सिम्प्लीफाई करके हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1408 mm है। अब हमने कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ हेलिक्स या फिर स्पायरल बार, इसको हेलिक्स बार भी कहते हैं या स्पायरल बार भी कहते हैं। उसका फार्मूला है स्मॉल एन इंटू सी स्क्वेयर प्लस पी। अब हमारे पास सी क्या है और पी क्या है, सो फर्स्ट वी शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एंड सी। पहले हमने पिच को कैलकुलेट करना है, मीन्स की स्पेसिंग को। उसका फार्मूला है एन इज इक्वल टू कैपिटल एच डिवाइडेड बाय पी प्लस 1। एच हमारे पास गिवन है 20,000, पी हमारे पास गिवन है ये जो पिच, एक पिच डिवाइड बाय 100 करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिचेस हमारे पास आ जाएंगे 201। यहाँ पे तो सिर्फ एक पिच का हमें वो सेंटर डिस्टेंस गिवन है 100, तो हमने कैलकुलेट करना है कि टोटल हमारे पास कितने पिचेस बनेंगे, मेन के जो सेंटर सेंटर स्पेसिंग है इस रिंग के ये कितने बनेंगे टोटल, तो हमारे पास 201।
टोटल नंबर ऑफ पिचेस कैलकुलेट हो जाएंगे यहाँ से। आप कैलकुलेट करना है सरकमफेरेंस कैपिटल सी, सरकमफेरेंस या फिर पैरामीटर मींस कि यहाँ से लेके ये जो पूरा सर्कुलर सर्कल तक डिस्टेंस है इसको अगर कैलकुलेट करूँ तो इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। मींस कि अगर इसको मैं स्ट्रेट करूँ ये पूरे जो स्पायरल बार है और इसको मैं मायर करूँ तो इसको मैं सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास है सी इज़ इक्वल टू पाई क्रॉस डी। पाई की वैल्यू है 3.14 क्रॉस डी, हमने कैलकुलेट किया था इनर डायफ स्पायरल बार, वो हमने कैलकुलेट किया था 1408। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एमएम में वैल्यू आ जाएगी। अगर मीटर में कन्वर्ट करना तो 4.4 मीटर आ जाएगी। ये सिर्फ एक जो हमारे पास स्पायरल बार है इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी लेंथ। अब हमने कैलकुलेट करना है टोटल कटिंग लेंथ ऑफ हेलिक्स या फिर स्पायरल बार। उसका फार्मूला है एन इंटू सी स्क्वायर अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एन हमने कैलकुलेट किया था टोटल नंबर ऑफ पिचेस या फिर जो हमारे पास स्पेसिंग है स्पेसिंग ऑफ स्पायरल वो हमने कैलकुलेट की थी टोटल 201 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट सी की वैल्यू सरकमफेरेंस जो एक हमने स्पायरल बार की ये जो स्पायरल बार का टोटल अगर इसको एक्सटेंड करो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने। तो यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी वो पुट करेंगे। फिर पी पी हमारे पास गिवन है पिच एक जो हमारे पास स्पायरल बार है उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसकी वैल्यू पुट करेंगे दोनों का अंडर द रूट दोनों का स्क्वायर करेंगे। फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर हमारे पास ये आंसर आएगा। तो इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करके हमारे पास मीटर में वैल्यू आ जाएगी टोटल कटिंग लेंथ ऑफ स्पायरल स्टेरप्स की। तो वो आंसर हमारे पास 889.44 मीटर। ये था प्रोसेस की किस तरह से हमने कटिंग लेंथ ऑफ स्पायरल स्टेप्स कैलकुलेट करना है। अब मैंने इसकी क्वांटिटी बतानी है कि जो हमारे पास जितने भी स्ट्रिप्स यूज हुए हैं स्पायरल कॉलम है जो हमारे पास स्पायरल स्ट्रिप्स यूज हुए एक पाइल फाउंडेशन में। अब मैंने आपको बताना है कि जो हमारे पास पाइल फाउंडेशन में जो स्पायरल स्ट्रिप्स यूज हुए इसकी क्वांटिटी इन केजी। तो क्वांटिटी ऑफ स्टील उसका अगर केजी में निकालना है तो उसका क्या फार्मूला है कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर डिवाइड बाय 162। ये हमारे पास फार्मूला है केजी में निकालने का क्वांटिटी ऑफ स्टील का। तो हमारे पास कटिंग लेंथ जो टोटल कटिंग लेंथ थी वो हमने कैलकुलेट की थी ये 889.44 मल्टीप्लाई बाय डी हमारे पास कितना है स्मॉल डाया वो 12 डाया ऑफ स्पायरल बार मीन्स कि हमारे पास जो स्पायरल स्ट्रिप्स है उसका डाया हमने हमें गिवन था यहाँ पे 12 mm वो पुट करना है स्क्वायर करना है इसका डिवाइड बाय 162। इन सब को सिंप्लीफाई करके हमारे पास केजी में आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो जितने भी स्पायरल शेप के स्ट्रिप्स यूज हुए इस पाइल फाउंडेशन में तो उसकी केजी में हमारे पास क्वांटिटी इतनी आ जाएगी 790.61 केजी। तो ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।